उसे जनता की चिंता नहीं है, उसे चुनाव की चिंता है कि कैसे यहाँ पर गद्दी में आ जाए, कैसे यहाँ पर सत्ता में आ जाए कि केंद्र सरकार अपने कामों को छोड़कर चंद पूंजीपतियों की सरकार रह गई है, कि वो सत्ता की लोभी सरकार हो गई है, वो जिसके साथ सटते हैं उसी को खा जाते हैं, उसी को प्रयास करते हैं खत्म करने का। सिर्फ चुनाव जीतना इनका मकसद है। बिहार और भारत के जो लोग हैं, आम आदमी, गरीब आदमी, युवा वर्ग, इनको क्या होगा नहीं होगा इनसे कोई मतलब नहीं। सरकारी अस्पताल का जो हालत है वो लोगों ने कोरोना में देखा है कि क्या हालत है। ये कोरोना में ही हम लोगों ने लगातार बोला था कि इसको इस तरह से अपग्रेड कर दिया जाए ताकि प्राइवेट संस्थानों में गरीब आदमी, आम आदमी ना जाके सरकारी संस्थानों में इलाज कराए। बिहार राज्य के अंदर बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर अब जाप के युवा संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू दानवीर, उन्होंने खड़े खड़े शब्दों में सरकार से बड़ी मांग की है और कहा है कि निचले स्तर पर सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा है उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बिहार में जो राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, जहां जेडीयू के कई जो नेता हैं उनके करीबियों के घर जो छापेमारी हो रही है, उस पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बौखलाहट में है और चाहती है कि किसी भी तरीके से वो सत्ता में आ जाए। जो मौजूदा हरकन जो इस वक्त बीजेपी अपना रही है उसके तहत वो राज्य के अंदर जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहती है और किस तरीके से आवाम को लूटा जाए उसकी तैयारी में वो लगी हुई है। बीजेपी को न विकास से मतलब है, न शिक्षा और स्वास्थ्य से, उन्हें सिर्फ चाहिए तो अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता। सुनिए राजू दानवीर ने जहां डेंगू को लेकर बिहार सरकार को नसीहत दी है, वहीं एक जोरदार हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। देखिए, बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, खासकर पटना कहें तो पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है। पटना में लगभग 75% मामले पटने से हैं और इससे तो हजारों लोग संक्रमित हुए, लेकिन रिकवरी भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के किसी कोने में यदि डेंगू होता है तो कोई भी गरीब व्यक्ति सबसे पहले आना चाहता है तो PMCH, क्योंकि उसके पास तो 50,000 1,00,000 है नहीं भाई कि ICU में खर्च करेगा, प्राइवेट में खर्च करेगा। प्राइवेट में तो जान रहा है कि एक दिन ICU में रखने का भी 15,000 से 20,000, 10,000 मनमानी, 30,000 50,000 भी ले लेता है एक दिन का चार्ज। तो आम आदमी, गरीब आदमी से संभव नहीं है कि वो प्राइवेट को अफोर्ड कर पाए और वो उसका ध्यान कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में ध्यान आता है। और सरकारी अस्पताल का जो हालत है वो लोगों ने कोरोना में देखा है कि क्या हालत है। NMCH के सुपरिटेंडेंट पर एक्शन लिया गया, सस्पेंड किया गया, क्या ये उचित है? क्योंकि खुद उन्होंने सफाई दी कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। देखिए, ये मामला जो है, सबसे बड़ी बात कि वहाँ किस परिस्थिति में क्या परिस्थिति रही होगी कि जिसमें उनको सस्पेंड किया गया है और अगले के पास क्या परिस्थिति होगा, ये तो बाद का मामला है। सबसे प्रथम मामला ये है कि बिहार में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसको, ये कोरोना में ही हम लोगों ने लगातार बोला था कि इसको इस तरह से अपग्रेड कर दिया जाए ताकि प्राइवेट संस्थानों में गरीब आदमी, आम आदमी ना जाके सरकारी संस्थानों में इलाज कराए और उससे बेहतर यहाँ सुविधा मिले। लेकिन अभी तक इस पर कोई नहीं हुआ। अभी नया सरकार आया, देखिए आगे आगे क्या होता है। जेडीयू के एक नेता के करीबियों के यहाँ जो छापेमारी है वो की जा रही है, क्या लगता है कि एक अलग राजनीति जो है वो केंद्र सरकार बिहार में कर रही है और बिहार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है? देखिए, केंद्र सरकार पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं सारे सरकारी संस्थानों को दुरुपयोग करने पर तुल गई है। उसे जनता की चिंता नहीं है, उसे चुनाव की चिंता है। उसे बिहार में, भारत में जो गरीब आदमी है उसकी चिंता नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है, छात्र की चिंता नहीं है। उसे चुनाव की चिंता है कि कैसे यहाँ पर गद्दी में आ जाए, कैसे यहाँ पर सत्ता में आ जाए और फिर उलट पुलट करें। और जो सत्ता में नहीं आएगा उसके यहाँ छापामारी करेंगे, उसके यहाँ CBI ED सबका भय दिखा के किसी भी तरह से उसको लाना है, मनाना है। माने आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनता में ये जग जाहिर हो गया
कि केंद्र सरकार अपने कामों को छोड़कर चंद पूंजीपतियों की सरकार रह गई है, और सबसे बड़ी बात कि वो सत्ता की लोभी सरकार हो गई है, और जितने भी राज्य में, अब तो राज्य में तो उसका सरकार रहा नहीं, रीजन क्या थे, जितने गठबंधन में उनके सरकार थे टूट गए, गठबंधन वाले सहपाठी भाग गए, क्योंकि वो जिसके साथ सटते हैं उसी को खा जाते हैं, उसी को प्रयास करते हैं खत्म करने का। तो ये कहीं ना कहीं, अभी माननीय गृह मंत्री जी का बयान देख लीजिए बिहार में क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर उन्होंने बयान दिया है, भाई प्रधानमंत्री जी का आप देख लीजिए ना रिकॉर्ड, उन्होंने क्या क्या बोला और क्या क्या दिया कि नहीं दिया, बिहार की जनता खोज रही है, का अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो अब तो अपने को झांकने के लिए फिर समय आ जाएगा तो एक सेकंड के पास मुद्दे हैं, कुछ और अलग राग अपनाने लगते हैं चुनाव में। तो इनका कहीं ना कहीं ओवरऑल ये मान के चलिए कि सिर्फ चुनाव जीतना इनका मकसद है, बिहार और भारत के जो लोग हैं आम आदमी गरीब आदमी युवा वर्ग, इनको क्या होगा नहीं होगा इनसे कोई मतलब नहीं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।